हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम HTML में एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे HTML, फिर हेड, फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा टाइटल, और टाइटल लिखेंगे हम इंसर्ट इमेज, और यहां से कर देंगे हम टाइटल को क्लोज, और यहां से अपना स्टार्ट करेंगे बॉडी, और बॉडी में हम टैग लगाएंगे इमेज img, और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स का, तो उसका होता है src इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। यहां से जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, मेरा इमेज दोस्तों डेस्कटॉप पे है, आपका जहां भी इमेज हो आप सिंपली वहां पे जाइएगा, और इमेज पे करेंगे सिंपली एक राइट क्लिक, और यहां से जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और यहां से सिक्योरिटी, और सिंपली हम इसे कर लेंगे यहां से कॉपी, और यहां पे सिंपली कर देंगे इसे पेस्ट, और यहां से ब्रैकेट क्लोज, और यहां से हम अपने टैग को क्लोज करेंगे, और यहां पे करेंगे बॉडी क्लोज, और यहां से अपना HTML क्लोज, और इस फाइल को करेंगे हम यहां से सेव, फाइल में जाके सेव, और यहां पे हम इस फाइल का नाम देंगे इमेज .html, और यहां से कर देंगे सेव। फिर से चलेंगे अपने डेस्कटॉप पे, और यहां से करेंगे इस फाइल को ओपन, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारा इमेज आ चुका है। इमेज दोस्तों आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आता है। अगर आप यहां से इसका अलाइन चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे अलाइन, और यहां लिखेंगे अलाइन राइट, और यहां से जाएंगे हम फिर से अपने क्रोम पे, और इसे करेंगे यहां से रिफ्रेश, तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे हमारा इमेज राइट में आ चुका है। अब दोस्तों बारी इस इमेज की हाइट और विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करने की, तो यहाँ पे इसका एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ का widthइक्वल टू, जितने भी दोस्तों आपको इसकी विड्थ देनी है आप सिंपली यहाँ पे नंबर में आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 450, और यहां से करेंगे इसे फिर से सेव, और यहां से करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज यहां पे इंक्रीज हो चुका है। अब फिर से यहां से इसके हाइट को भी इंक्रीज करते हैं HEIGHT, और यहां पे भी हाइट दे देते हैं इसको 500, और यहां से करेंगे फिर से फाइल में, और इसे यहां से सेव, फिर से यहां पे करेंगे इसको रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं कि इसकी यहां पे हाइट इंक्रीज हो चुकी है। अब आ रही है दोस्तों हमारे इमेज पे बॉर्डर लगाने की, तो सिंपली यहां से जाएंगे फिर से कोडिंग पे, और यहां लिखेंगे बॉर्डर, जितना भी आपको बॉर्डर देना है आप सिंपली यहां पे दे सकते हैं। तो बॉर्डर देना है हमें 10, और यहां से जाएंगे फिर से फाइल में, और यहां पे करेंगे से सेव, और यहां से जाएंगे क्रोम पे, और इसे करेंगे यहां से रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा इमेज का बॉर्डर लग चुका है। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपको फुल HTML सीखना है तो मैंने दोस्तों उस पर भी वीडियो बना रखी है, मैं दोस्तों उसकी लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाके इसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हैव अ नाइस डे।